इंडिया में डिमांड तो कम है, लेकिन जो चीज़ें हमने छोड़ी हैं और उसके फ़ायदे लोगों को सबको पुराने जो हैं कॉपर के और पीतल के ब्रास के, ये फ़ायदे यूरोपियन को और अमेरिकन्स को पता है, तो वो हमारे यहाँ से तो लोग छोड़ रहे हैं जिन्होंने इस शुरुआत की है, और वो पकड़ रहे हैं, वो अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपर, और कॉपर में बना रहे हैं और ब्रास में बना रहे हैं, ये सब काम वहाँ अब ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल, खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिल्वर फिनिश है तो हर कलर सावरन है। दिस फिनिश इफ यू वांट दिस फिनिश, सो इट विल बी अराउंड $39। फारूक खान है और मैं आर्टिस्ट क्राफ्टमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और इस क्राफ्ट के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला है 2007 में, और ये अब मैं एक्सपोर्ट भी शुरू किया है, मैंने 2006 से मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ इसको, तो ये यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कंटिन्यूली 2006 से, यहाँ पे मैं EPCS का शो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मतलब जैसे इंडिया एक्सपो मार्ट यहाँ शुरू, हाँ आप लगातार, जब से मैं लगातार हूँ यहाँ पे, और मैं अच्छा एक्सपोर्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो पहले तो सिर्फ मैं लोकली बेचता था, इंडिया में बेचता था, तो अब मेरा पूरे वर्ल्ड में माल जा रहा है। कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है जब से आप यहाँ आने शुरू हुए? मोर देन 100 times। आपके जो ये देख रहे हैं बर्तन हैं, ये सब डेकोरेशन तावे के हैं, तो क्या इनकी खासियत है, कहाँ कहाँ इनकी डिमांड है? ये डिमांड सारा यूरोप में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, यही जाता है सारा मेरा, सारा सबसे ज़्यादा इस वक्त हॉट पे है यूरोप, यूरोप और साउथ अमेरिका, ये खूब जा रहा है। कहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है? मेरा दिल्ली में ही है, ईस्ट दिल्ली में, और दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मेरा पुराना ही है, आज से नहीं है, मेरे फादर से, ग्रैंडफादर के टाइम से ही है, वही पहले हम घर के इस्तेमाल के बर्तन बनाया करते थे, अब उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया, मॉडिफाई किया, अब हम डेकोरेशन का भी बना रहे हैं। ये जो आपके यहाँ है घर के इस्तेमाल के तो कम है या डेकोरेशन के ज़्यादा? तो घर में ही डेकोर किया जाएगा, डेकोरेशन भी हमारी बहुत ज़रूरी है, और ये इस्तेमाल की भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेकोरेशन का ही है, ये यूज़ करने के लिए भी, घर के इस्तेमाल के लिए भी है, बस थोड़ा सा इसका मॉडर्न लुक कर देंगे। इसकी डोर स्टील का है, तो क्या मानते हैं कि इसकी जो तांबा या पीतल बीमारियाँ भी इंडिया में कितनी है? इंडिया में डिमांड तो कम है, लेकिन जो चीज़ें हमने छोड़ी हैं और उसके फ़ायदे लोगों को सबको पुराने जो हैं कॉपर के और पीतल के ब्रास के, ये फ़ायदे यूरोपियन को और अमेरिकन्स को पता है, तो वो हमारे यहाँ से तो लोग छोड़ रहे हैं जिन्होंने इस शुरुआत की है, और वो पकड़ रहे हैं, वो अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपर, और कॉपर में बना रहे हैं और ब्रास में बना रहे हैं, ये सब काम वहाँ अब ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि ये सवाल मेडिकल से संबंधित है, क्योंकि आप एक आर्टिसन होने के नाते क्या बेसिक फ़ायदे होते हैं हेल्थ को देख के? इसके बेसिक फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे एक सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे कॉपर में हम टिन कलाई कराते थे तो उसका फ़ायदा होता था गैस ना बनना, एसिडिटी ना होना, और बॉडी में जो बैक्टीरियाज बनते हैं, जो नेगेटिव रॉन्ग बैक्टीरियाज बनते हैं, उनको भी वो मारता था। लेकिन अब ये स्टील में तो कुछ भी है ही नहीं, स्टील में तो सिर्फ बैक्टीरियाज ही, क्योंकि जो स्टील का जो कोना होता है, जो रिंग होता है, उसमें बैक्टीरियाज फंसे रहते हैं, और कॉपर और ब्रास में वो अपने आप ही उसका जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बूस्ट करता है, छोड़ता है कॉपर, तो वो इसमें स्टील में कैसे मिलेगा, क्योंकि स्टील जो कॉपर और ब्रास है वो घटता है, जब इस्तेमाल करते जाएंगे वो घटता जाएगा, वो बॉडी में हमारी आएगा, वो हमारे लिए बेनिफिट है, वो फ़ायदा देता है। आजकल तो RO वगैरह में भी कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लेकिन असली फ़ायदा सब भूल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट के बारे में क्या कहना? एक्सपो मार्ट अच्छा है, ये यहाँ पे पहले ये वाला शो प्रगति मैदान में हुआ करता था, तो छोटा होने की वजह से ये इन्होंने अपना नया बनाया, तो ये अब पूरा पीक पे है और अच्छा है, यहाँ पे सारे एक्सपोर्टरों को, बहुत सारे एक्सपोर्टरों को फ़ायदा मिल रहा है, और लोग काम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपोर्टर भी हैं यहाँ मुरादाबाद से, दूसरे शहरों से, तो उनका सबको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये लोगों को इन्वाइट करा जाता है दूसरी कंट्रियों से,
वो यहाँ आते हैं और फिर वो यहाँ पे लोगों को एक ही रूफ के नीचे देख लेते हैं जो उनको चाहिए। आज सेकंड दूसरा दिन है, लगभग कितने लोग IHGF दिल्ली फेयर का आज ये दूसरा दिन है, तो क्या आपको लग रहा है और क्या रेस्पॉन्स? लेकिन अभी जो कोविड सिचुएशन के बाद थोड़ा सा अब इम्प्रूव हुआ है, पिछला शो इट वॉज़ नॉट गुड, तो अभी लग रहा है कि ये वाला अच्छा होगा। अभी लोग आ रहे हैं, अभी उनकी क्वेरीज हैं तो उनको कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाएगा, फिर आगे वो फाइनल तो वो बाद में ही होता है। तो इस कार में स्पोर्ट कोई फाइनल नहीं। इस कार में आप भी हैं, आपके भाई वगैरह कोई जुड़े हुए हैं? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं और हमारे दूसरे भाई भी हैं, हम तीन भाई हैं। अच्छा, ये बड़े भाई हैं। साहब, लंबे समय से आपके परिवार में ये जो एक हुनर है कारीगरी का, ये चला रहा है और आपको भी एक नेशनल अवार्ड मिला है, क्या अनुभव आप साझा करना चाहते हैं? ये हमने अपने फादर से लिया है ये हुनर, और ये हमारी फैमिली में हो रहा था तो हमें करते करते आ गया, और इस हुनर में हमारे भाई भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और ये हुनर हमें अच्छी तरक्की दे रहा है और हमें इसमें तसल्ली और सुकून महसूस हो रहा है।